गाइस वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आज योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। कैसे हैं आप लोग सब? अभी लॉकडाउन पीरियड में आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, इनफैक्ट बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, मास्क लगा के रख रहे हैं, हाथों को अच्छे से धो रहे हैं, जितनी भी हिदायतें दी जा रही है उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आई जस्ट होप आप लोग सब सेफ हो और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों को उन टॉपिक्स पे वीडियो बना के जल्दी जल्दी बना बना के डालूं, जिससे कि आप लोग बोर भी ना हो और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। ओके, तो आज का टॉपिक है न्यूकल कॉर्ड, यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बच्चे की नाड़, आपको पता है बच्चा और माँ आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, उस नाड़ से, उसी नाड़ को काट के बच्चे को माँ से अलग किया जाता है डिलीवरी के बाद, और ये नाड़ 7 से 10 दिन के अंदर या 3 कभी कभी 5-7 दिन में अपने आप ही सूख कर गिर जाती है। डॉक्टर आपको मना करते हैं कि इस नाड़ को ज्यादा मालिश नहीं करना या फिर इसको पुल मत कर देना, खींच मत देना, क्योंकि बच्चे के अंदर की जो नाड़ियां हैं उससे अटैच्ड होती है, धीरे धीरे एयर के कॉन्टैक्ट में आके, एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में आके ही अपने आप ही सूख कर गिर जाती है। तो आज हम इस कॉर्ड के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये बच्चे के लिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे को रिस्क हो सकता है अगर कॉर्ड में प्रॉब्लम हो तो। ओके, तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अभी इस लॉकडाउन पीरियड में डॉकवाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि आप सब लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी अलाउ कर दिया है कि हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन दें, और मैं तो पिछले 1.5 साल से कर ही रही हूँ। डॉकवाइज ऐप पे आप आइए, पिन डालिए, आप इजीली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, फोन कॉल शायद ना हो पाए, बाकी सब कुछ अवेलेबल है उसमें। बाकी हॉस्पिटल आना तो मुश्किल है आपका अभी, लेकिन अगर आ सकते हैं बाद में तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे से कंसल्ट करने का तरीका बेस्ट यही है। तीसरा तरीका है जब मैं लाइव जाती हूँ हफ्ते में एक बार, कभी इस चैनल पे, कभी दूसरे चैनल पे, डॉक्टर सोनल्स आंसर्स पे, तो आप उसमें सुपर चैट ऑप्शन को यूज करके हाथों हाथ अपने सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। तो आते हैं न्यूकल कॉर्ड, यानी कि गले में जब नाड़ होती है उसको बोलते हैं न्यूकल। न्यूकल कॉर्ड पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बताती हूँ। ये जो नाड़ होती है इसमें बेसिकली, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, इसमें 3 वेसल्स होते हैं, आर्टरी और वेन। ठीक है, इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आर्टरी और वेन क्या करती है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली वेन जो होती है वो साफ ब्लड बच्चे को देती है और आर्टरी से गंदा ब्लड वापस माँ के अंदर जाता है। ओके, अब जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम लोग सांस लेना शुरू करते हैं, जब बच्चे सांस लेना शुरू करते हैं, तो गले में सब कुछ होता है, हमारी सांस की नलकी, हमारी ब्लड वेसल्स, इसलिए गला दबाने से इंसान मर जाता है। जब बच्चा पेट के अंदर होता है वो सांस तो ले नहीं रहा, उसके गले में ये इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, उसका सारी चीज, उसकी पूरी लंग्स, उसकी ब्रीदिंग, उसके न्यूट्रिएंट्स, उसको जितनी भी सप्लाई मिल रही है ब्लड की, ऑक्सीजन की, खाने पीने की, वो सब इस कॉर्ड के थ्रू आ रही है। यानी कि कॉर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। इस कॉर्ड में कुछ गड़बड़ होती है तो बच्चे को लाइफ का रिस्क होता है, राइट? लाइफ का रिस्क भी होता है, उसके ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अब ये जो कॉर्ड होती है ये 3-4 तरीके से खराब हो सकती है। एक तो होता है कि पानी कम है, बच्चे और यूट्रस की जो वॉल है, बच्चेदानी की जो दीवार है, उसके बीच में स्पेस कम है, पानी कम है, तो ये कॉर्ड दब जाती है। दबने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होती है, बच्चे को न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिस वजह से बच्चे को अंदर प्रॉब्लम होती है, जो कि सोनोग्राफी में डिटेक्ट हो सकता है। कभी कभी बच्चा अंदर पॉटी कर देता है, मतलब जिन माओं को पानी कम होता है, IUGR होता है, या तो वो बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन है या पानी की कमी है, ओलिगोहाइड्रोमियोसिस, उनमें क्यों डॉक्टर बोलता है कि आपके बच्चे को रिस्क है? क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे, उसके कॉर्ड दबने का डर रहता है। कॉर्ड दबने से बच्चे की तरफ जब सप्लाई कम होगी तो बच्चा रिस्क में आ जाएगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये कॉर्ड सडनली बाहर आ जाए, जिसको भी बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स कब हो सकता है? कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है जब बच्चे का सिर ठीक से नीचे फिट नहीं हुआ, बच्चे के सिर के साइड से कॉर्ड या तो बहुत लंबी है तो ये नीचे आ गई, यानी कि बच्चेदानी का मुंह जहां खुल रहा है वहां पर पहले कॉर्ड आ गई, फिर बच्चा आ रहा है, या बच्चे के साथ साथ कॉर्ड भी आ रही है, सिर के साथ साथ या उसके पैर के साथ साथ। ऐसे में क्या होता है, जब कॉर्ड नीचे आके बच्चे के सिर से दबने लग जाती है, उसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रेजेंटेशन या कॉर्ड प्रोलैप्स दोनों करीब करीब सेम ही है। जनरली जब मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है, जब पानी की थैली नहीं फूटती है, तो उसको बोलते हैं कॉर्ड प्रेजेंटेशन। जब पानी की थैली फूट जाती है, पानी के साथ साथ कॉर्ड भी बाहर आ जाती है, वेजाइना में हमको फील होने लग जाती है, उसको बोलते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। सबसे ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है कॉर्ड प्रोलैप्स, यानी कि उस समय पानी की थैली भी फूट चुकी है और कॉर्ड डायरेक्टली बाहर एयर के कॉन्टैक्ट में आ गई है। ऐसे में सडनली डॉक्टर हाथों हाथ सिजरिंग करेंगे, उसमें भी तैयारी करने में 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाता है, तो अंदर पैकिंग करके कोशिश करते हैं कि कॉर्ड बाहर ना आए, बच्चे को बहुत रिस्क हो जाता है। और ज्यादातर ऐसे केसेस में जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनको पता होगा कि डॉक्टर लिखवा लेते हैं कि गारंटी नहीं है कि बच्चा बचेगा कि नहीं, या फिर बच्चे के दिमाग पे असर आएगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है।
क्योंकि कॉर्ड पहली बात तो दब रही है, जो बच्चे का पार्ट नीचे आ रहा है उससे दब रही है, या फिर वो एयर के कॉन्टैक्ट में आ गई, एयर के कॉन्टैक्ट में आती है उसकी जो ब्लड वेसल्स है नाड़ियाँ सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने की वजह से बच्चे को सडनली ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है, राइट। तो ये तो हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण होता है जब ये बच्चे की बॉडी में रैप हो जाती है। अब ये अगर बच्चे की बॉडी में रैप हो गई और गले में रैप हो गई तो उसको बोलते हैं न्यूकल कॉर्ड, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ डिटेल में, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मोरवर ये बड़ी ही कॉमनली देखी गई चीज़ है, क्योंकि आजकल सोनोग्राफी बहुत होती है। आजकल पेशेंट्स की, मैंने वीडियो में पहले बताया था कि 3 या 4 सोनोग्राफी से ज्यादा जरूरत नहीं होती, बट कई बार हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, कई बार डॉक्टर्स बदलने के चक्कर में बार बार सोनोग्राफी होती है, हमने इसको दिखाया, उसने एक कराई, दूसरे को दिखाया, उसने 2 कराई, इन्होंने कराई 3, तो कुछ आपकी भी गलती होती है, बार बार डॉक्टर बदलते हैं, कुछ डॉक्टर्स की भी होती है कि भाई वो ज्यादा सोनोग्राफी कराते हैं बिना किसी कारण के, कुछ तीसरी बात ये भी होता है कि बच्चा रिस्क पे होता है, इस वजह से बार बार सोनोग्राफी होती है। तो जितनी बार सोनोग्राफी होगी, जितनी बार डायग्नोसिस बनेगी, उतनी बार आपको पता चलेगा कि बच्चे के गले में नाड़। अब बच्चे के गले में नाड़ होना बड़ा कॉमन है, अराउंड 30-35%, यानी कि 10 में से 3 या 4 बच्चों को ये कॉर्ड होती है, और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अंदर एक स्विमिंग पूल है, बच्चा छोटा सा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो बच्चेदारी भी साथ साथ बड़ी हो रही है। जब तक बच्चा करीब करीब ये समझ लीजिए 35-36 वीक्स, पूरा 9 महीने का नहीं हो जाता, तब तक उसके पास काफी स्पेस होती है, अंदर घूम रहा होता है, साथ साथ उसकी कॉर्ड भी घूम रही होती है। अब अगर कॉर्ड या तो बहुत लंबी है, या फिर बच्चा बहुत ज्यादा घूम रहा है, या फिर पानी बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा घूमने का मतलब 9th मंथ तक भी घूम ही रहा है, अंदर अटकेलियां कर रहा है, अंदर समरसॉल्ट्स कर रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, पूल बहुत बड़ा है उसके लिए। इन सब कारणों की वजह से कॉर्ड कई बार लिपट जाती है, 1 बार 2 बार 3 बार, कभी गले में, कभी पेट पे, कभी हाथों में। मैंने बहुत पहले एक डिलीवरी कराई थी, उसके बच्चे के हाथ में बहुत कस के कॉर्ड लिपटी हुई थी। तो कहीं भी कॉर्ड लिपटेगी, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉर्ड दब जाती है, गले पे हो चाहे हाथ पे हो चाहे पैर पे हो, बच्चे को सारा सप्लाई इस कॉर्ड से ही आ रहा है। तो कॉर्ड कहीं भी लिपटेगी, अगर वो टाइट लिपट गई तो वो दब जाएगी, दबने की वजह से उसकी नाड़े दब जाएंगी, जो नाड़े बच्चे को ऑक्सीजन और खाना प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो इसको जब गले में लिपटती है, इसको बोलते हैं न्यूकल कॉर्ड, सोनोग्राफी से क्लियरली दिखती है। ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं न्यूकल कॉर्ड वाले, जिनकी डायग्नोसिस बनी नहीं और बड़े आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो गई, उनके चेहरे पे हल्के से स्पॉट्स होते हैं कंजेशन की, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो गई थी उस समय डिलीवरी के समय, क्योंकि कॉर्ड टाइट हो गई थी, हाथों हाथ डिलीवरी हो गई, बच्चा ठीक भी हो गया, बट कुछ समय के लिए आपको दिखेगा बच्चा थोड़ा ब्लू ब्लू पैदा हुआ, लिप्स ब्लू थे क्योंकि उसको कॉर्ड टाइट हो गई थी, उसकी आंखों में हल्का सा व्हाइट वाला जो एरिया स्क्लेरा होता है उसमें ब्लड दिखेगा, दे सारे साइंस होते हैं कि हाँ कॉर्ड टाइट हो गई थी। और ये चीज आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि भाई जब नीचे बच्चा आया तो हमने देखा इसके गले में टाइट कॉर्ड थी। वो कॉर्ड क्या होता है कि अंदर तो ढीली होती है, नीचे आते आते जैसे बच्चा नीचे आता है पैसेज करते है, तो पीछे से टाइट हो जाता है, क्योंकि प्लासेंटा तो ऊपर लगा हुआ है, आवल ऊपर लगी हुई है, कॉर्ड तो वहां से अटैच्ड है, तो जब बच्चा नीचे उसको खींचते हुए जाते हैं तो कॉर्ड एक बार के लिए टाइट हो जाती है। सुनने में आपको डर लग रहा होगा, बाप रे तो बड़ी डेंजरस कंडीशन है। वेल सच बताऊं तो सिर्फ 1000 में से कोई 6 यानी कि 0.6% चांसेस है कि बच्चे की डेथ हो इस कॉर्ड की वजह से, क्योंकि ये कुदरत है, कॉर्ड भगवान ने बनाई है, बच्चे के चारों तरफ बच्चा घूम रहा है, उसमें लिपटती भी अपने आप खुल भी जाती है, क्योंकि बच्चे को पता है अंदर कैसे क्या करना है, क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट होता है, अंदर क्या हो रहा है, नेचर ने कैसे क्या बनाया, वी डोंट नो, हमको नहीं पता, लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कि कॉर्ड टाइट होकर बच्चे की डेथ का कारण बन जाए। जब भी ये डायग्नोसिस बनती है, मैं मरीज को हमेशा बोलती हूँ ये कारण नहीं है सिजेरियन करने का, राइट। अगर सोनोग्राफी में बोल दिया डॉक्टर ने कि 2 या 3 बार कॉर्ड बंधी हुई है तो फिर रिस्क है। और जनरली अगर 9th मंथ में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 9th मंथ, जब आपकी डिलीवरी होने वाली, तब अगर डॉक्टर बता दे कि आपके बच्चे का सिर ऊपर है, क्योंकि वो तो हमको चेक करके पता चल जाता है कि बच्चा कितना ऊपर है कितना नीचे है, ऊपर है और 2 या 3 बार कॉर्ड लिपटी हुई है और थोड़ा सा बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, 3-4 चीजें हम पैरामीटर्स देखते हैं, अगर ये सारे पैरामीटर्स नेगेटिव में जा रहे हैं तो हम सिजेरियन ऑफर करते हैं, एटलीस्ट मैं हाथों हाथ सिजेरियन ऑफर नहीं करते। मैं पेशेंट यही बोलती हूँ कि आपके अंदर बच्चा है, आप समझदार हैं, आपको पता चलेगा बच्चा कब कम घूम रहा है। अगर लग रहा है बच्चा कम घूम रहा है, पहले पूरे दिन से आपको लग रहा है उस हिसाब से नहीं घूम रहा जैसे घूमना चाहिए, तो आप हाथों हाथ हॉस्पिटल में आइए। डिलीवरी के समय तो मॉनिटर करना और भी आसान होता है, क्योंकि डिलीवरी के समय जब बच्चा नीचे आ रहा होता है, अगर कॉर्ड टाइट होगी तो हाथों हाथ सीटीजी में दिख जाएगा कि बच्चे की धड़कन नीचे गिर रही है। ऐसे में हाथों हाथ सिजेरियन करा जा सकता है। किसी भी हॉस्पिटल में जहां डिलीवरी रूटीन में होती है, जहां बच्चों के डॉक्टर भी हैं, वहां पर क्लियरली सब कुछ तैयार होता है, लेबर रूम है, इधर ऑपरेशन थिएटर है, कुछ भी हुआ हाथों हाथ ट्रांसफर होकर 15 मिनट के अंदर सिजेरियन हो सकता है। तो किसी भी केस में सिजेरियन करना सिर्फ इसलिए क्योंकि सोनोग्राफी में कॉर्ड आ रही है, ये वाजिब नहीं है।
और ये इंडिकेटेड भी नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं कि करना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया सिर्फ 0.6% चांस है डेथ का, और अगर डेथ नहीं होती है तो अगर कॉर्ड टाइट हो जाती है, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होती है, वेरी रेयरली बच्चे को HIE हाइपोक्सिक इश्केमिक एनकेफेलोपैथी HIE स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 होते हैं, जिसमें कि ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेरेब्रल पैल्सी हो जाती है, फिट्स आ सकते हैं, आगे जाके लर्निंग डिफिकल्टीज, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सब हो सकते हैं, वेरी वेरी रेयर, बहुत ही रेयर है, और जनरली उससे पहले ही पता चल जाता है कि बच्चे को सिजेरियन से डिलीवरी हो जानी चाहिए। हाँ, किसी किसी केस में ऐसा हुआ है, बहुत रेयरली, मैंने शायद अपने 20 साल में एक या दो केस ऐसे देखे हैं कि बच्चा पेट के अंदर उसकी डेथ हो गई कॉर्ड की वजह से, और जब डिलीवरी हुई तो पता चला 3 या 4 बार कॉर्ड लिपटी हुई थी। अब इसमें मैं तो यही बोलूंगी, थोड़ा सा माँ की भी गलती ये है कि उनको पता ही नहीं चला। एक होता है बच्चे के किक्स होना, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, एक होता है कि बच्चा एक्टिव है अपने पैरों से आपको मार रहा है, एक होता है कि बच्चा अंदर खत्म हो चुका है, सिर्फ उसकी बॉडी ऐसे ऐसे डोल रही है, दोनों में फर्क है। ज्यादातर ये उन लोगों में देखा गया जो थोड़े से अनएजुकेटेड है, गाँव के पेशेंट्स है, पहली बात तो उनकी सोनोग्राफी टाइम से नहीं होती है, टाइम से आता नहीं है, संकोच करती है बताने में, उनको पता ही नहीं होता बच्चे के घूमने का क्या डिफरेंस होता है, कैसे बच्चे के किक्स आते हैं, कैसे बच्चा अंदर डोलता है। तो जनरली ऐसे केसेस में देखा गया है कि कभी कभी डिलीवरी से पहले ही कॉर्ड अंदर टाइट हो गई, वो तो आई थिंक दिस इज जस्ट डेस्टिनी, अगर ये लिखा है तो ये होगा, नोबडी कैन प्रिवेंट इट, हम इस कुछ ऐसा कर नहीं सकते कि आपकी कॉर्ड बच्चे के चारों तरफ ना लिपटे और आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने बताया हाई रिस्क केसेस वही है जिनमें पानी ज्यादा है, जिनमें बच्चा बहुत एक्टिव है घूम रहा है, या फिर जिनमें कॉर्ड बहुत लंबी है। अब ये सब चीजें तो कुदरत बनाती है, पानी भी अपने आप बनता है, कॉर्ड भी अपने आप बनती है, बच्चा भी एक्टिव और इनएक्टिव अपने आप ही होता है। एक और कारण हो सकता है कॉर्ड का लिपटने का, कॉर्ड एक होती है बहुत मोटी वॉटन्स जेली, उसके अंदर होती है एक टिश्यू होता है फैट जैसा, उसको वॉटन्स जेली बोलते हैं, वॉटन्स जेली, अगर ये कम है तो कॉर्ड आसानी से दब सकती है, अगर ये अच्छी खासी मोटी कॉर्ड है तो वो आसानी से दबेगी नहीं, चाहे कितना भी लिपट जाए वो दबेगी नहीं, स्ट्रॉन्ग कॉर्ड होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो कुदरत ही बनाती है, आप तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो बेसिकली बताने का मतलब यही था कि न्यूकल कॉर्ड ऐसी चीज है जो कि अगर मान लो डायग्नोज हो गई तो आपको ध्यान रखना है, आपको और आपके डॉक्टर को दोनों चीजों को बैलेंस करना है, आपकी कंडीशन क्या है, आपके बच्चे का वेट कितना है, आप किस एज पे आ गए, अभी आप 7th मंथ में हैं, 9th मंथ में कौन सी स्टेज पे आ गए, आपके डॉपलर्स में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कैसी है बच्चे को, बच्चा कितना एक्टिव है, आपके पास कितने चांसेस है नॉर्मल डिलीवरी के, बच्चे नाली का मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ये सब चीज देखते हुए सिजेरियन प्लान होता है। जरूरी नहीं कि न्यूकल कॉर्ड देखते हैं हाथों हाथ सिजेरियन करते हैं। ओके, और अगर 2 से ज्यादा लूप्स हैं तो फिर मैं एडवाइस करूंगी कि आप करवा लें, क्योंकि डिलीवरी के समय भी उसको नीचे आते आते 3 लूप तो बहुत टाइट हो जाते हैं। 2 लूप्स के तो बच्चे मैंने भी पैदा करे हुए, एक बार 3 वाला भी किया, बट वो अनडायग्नोज था, उसका पता ही नहीं था, क्योंकि वो बिना सोनोग्राफी के पहली बार आई थी सिर्फ डिलीवरी के समय। तो गांव के पेशेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है कभी कभी। सो गाइस, और कुछ अगर आपको पूछना हो इसमें तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करती हूँ जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन चूज करके आपको लाइव सेशन में आंसर दूं, और बाकी तो मैंने आपको बताई दिया कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। वापस मैं नए वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, बाय बाय, टेक केयर।